prove root 3 is a irrational number. Prove root 3 is a irrational number. देखिए ये जो root 3 है, देखिए root 3 हो गया, root 2 हो गया, root 5 हो गया, root 7 हो गया, root 11 हो गया, root 17 हो गया, root 23 हो गया, ये सब irrational number है. क्यों? देखिए root के अंदर prime number आ गया, root के अंदर prime number आ गया, तो irrational number ही है. आपके रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर दे दिया और बोल दिया रूट ए इरेशनल प्रूव करने के लिए, तो आपको यही मेथड से प्रूव करना है. सिंपल सेम मेथड, ठीक है ना, यही मेथड से प्रूव करना, ठीक है. तो देखिए कैसे प्रूव करना है. आप चाहे तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, फिर भी हम आपको समझाते हैं कैसे प्रूव करना. देखिए देखिए प्रूव करना क्या कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है. तो अगर रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम उसको क्या मान लेते हैं, रेशनल. क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर. हम लोग मान लेते हैं चलो रूट थ्री रेशनल है. क्या मान लेते हैं, रूट थ्री रेशनल है, मान लिए. अगर वो बात गलत हो गया, अगर देखे कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर पहले कहता हूं नंबर कितना तरह का, दो तरह का, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर कितना तरह का, दो तरह का, रेशनल और एक इरेशनल. अगर कोई भी रियल नंबर अगर रेशनल है तो क्या होगा, इरेशनल नहीं होगा. अगर इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा. तो ये रूट थ्री को हम लोग क्या मान लिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. क्या मान लिए, रेशनल. अगर ऐसा बात गलत निकल गया, गलत निकल गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत निकल गया, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा. तो ठीक है, वही काम करते हैं. इफ पॉसिबल क्या कि चलिए मान लिए लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल मान लिए. अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं. Where Q does not equal to zero, we all know that, है ना? Where P and Q should be not terminating decimals, मतलब P and Q belongs to integers, ठीक है ना? समझ गया ना इस बात? देखिए P by Q का formula लिख सकते हैं. तो क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिए. स्क्वायरिंग करके क्या हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है ना. यहां से एक बात हमको समझ में आता है, क्या बात समझ में आता है, 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, करा ना, 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा. अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो थ्योरम याद कीजिए, पहला थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, 3 अगर प्राइम नंबर है तो 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो क्या होगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा. किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा. सो 3 डिवाइड्स p, ठीक है. आपको सेम प्रोसेस में लिखना है, एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना. अगर तो यहां पर अगर 3p को डिवाइड कर रहा, 3p को डिवाइड कर रहा, तो p मतलब क्या हो गया, p 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है. और 3 के साथ में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, उस नंबर को मान लेते हैं c. क्या मान लेते हैं c, कोई इंटीजर्स होगा, क्या होगा, कोई इंटीजर्स होगा. c कोई है क्या, c बिलोंग्स टू i, ये क्या है, बिलोंग्स टू, मतलब c क्या है, कोई इंटीजर्स है, ठीक है, कोई बात नहीं. अगर p अगर कोई इंटीजर्स हो तो p को हम लोग लिख सकते हैं 3c, ठीक है, सिंपल बात लिखे हैं. तो अगर यहीं पर हुआ, ये जो है देखिए यही चीज को हम क्या किए, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए. यहां पर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, 3c. तो क्या होगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. तो यहां से 3 कटा, 3 कटा, क्या हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर. अब यहां से हमको क्या मिला, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, q को, q स्क्वायर को. अगर 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 प्राइम है, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, q को भी. तो यहां पर 3 q को भी डिवाइड करेगा. तो यहां पर से क्या हुआ, 1 कॉमन मिल गया, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, कुछ कम दिख क्या मिल रहा, 10 3 इज अ कॉमन फैक्टर, मतलब 3 क्या है, q को भी डिवाइड कर रहा, p को भी डिवाइड कर रहा, तो वो कॉमन फैक्टर मिल रहा, क्या मिल रहा, कॉमन फैक्टर मिल रहा. तो यहां से हमको क्या मिल रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, कि हम लोग रेशनल माने थे वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, गलत साबित हो गया, जिसके वजह से ए और बी का कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, गलत साबित हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, रूट थ्री क्या हो गया, इरेशनल नंबर. समझ में आ रहा, चलिए इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए.